हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीएलसी के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग अपनी गुरुनीति को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस 2013 से 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा सब टॉपिक वाइज। मैं डॉक्टर पवन मिश्रा, टीम सीएलसी केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन एंड आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द एलिमेंट। और यहां पर पिछले 10 साल के अंदर जितने क्वेश्चन आए हैं, वैरायटीज क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब Fe+2 में जितने भी डी इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन किसके केस में प्रेजेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है नियॉन। नियॉन का हमारे पास दे रखा है एटॉमिक नंबर, सभी को पता है नियॉन का जो है वो 10 है। कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो नियॉन के लिए 1s2, 2s2, 2p6, और ऑप्शन में था पी इलेक्ट्रॉन। अगर मैं Fe+2 के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो अपने को पता है ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, और ये आ जाएगा 3d6, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के बाद में इसके जो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल है उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मींस Fe+2 के पास में जो डी इलेक्ट्रॉन है वो कितने बेटा? 6। ऑब्वियसली बात है नियॉन के पी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की गई है, जो भी क्या है 6 है, बोला किसके साथ इक्वल नहीं है। सेकंड ऑप्शन की तरफ जाए तो मैग्नीशियम आ रहा है, क्या आएगा भाई? मैग्नीशियम के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, दैट इज फॉर द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के टोटल एस इलेक्ट्रॉन 2, 4 और 2, 6, मतलब इसके पास भी 6s इलेक्ट्रॉन है जो कि इक्वल है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन है क्लोरीन के लिए। अगर मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो टोटल पी कितने हो गए? 5+6 एंड 5+6 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 11। और यही कह रहा है, इसका मतलब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें प्रेजेंट जो पी इलेक्ट्रॉन है वो Fe+2 में प्रेजेंट डी के इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड। ठीक है, ये 2015 में हमारे पास क्वेश्चन आया था, AIPMT जब चलता था उसके केस में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज लैंथेनाइड है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। गोडोलिनियम एक एक्सेप्शनल बिहेवियर हमारे सामने दिखाता है, जो लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन का ट्रेंड है वहां पर जो 4f ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है जिसकी वजह से वो स्टेबल बन जाता है। तो अगर हम लोग गोडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन लिखे तो वो आता है ज़ेनॉन 4f7, 5d1 एंड 6s2। अदर लैंथेनाइड में हमारे पास जो 5d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बिलोंग्स टू 0, वो 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल लिस्टेड। अब अगर मैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में बात करता हूं तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी के लिए हमारे पास जो रूल आया था वो अबाव रूल था। अबाव रूल क्या बोलता है? द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m+l। मतलब जिस ऑर्बिटल के लिए m+l की वैल्यू ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। सेकंड, इफ m+l फॉर टू ऑर्बिटल्स विल इक्वल देन हम लोग कहते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा आएगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। यहां पर हमारे पास ऑर्बिटल कौन कौन से? एक 3s है, 3p है, 3d है, 4s है। इन सब का अलग अलग लिख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले 3s के लिए लिखूं इसका n प्लस कितना आ जाएगा? l। n आ जाएगा कितना बेटा? 3। और l क्योंकि s है, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 3+0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। अगर मैं 3p के बारे में बात करूं तो 3p के लिए कितना आ जाएगा? 3+1 इज इक्वल टू 4। उसके बाद अगर मैं 3d के बारे में बात करूं तो कितना आ जाएगा? 3+2 इज इक्वल टू 5। और उसके बाद हमारे पास 4s है, 4s के लिए अगर लिखा जाए तो क्या आएगा? 4+0 इज इक्वल टू 4। ओके, सो सबसे कम एनर्जी जो है वो किसकी है? 3s की है, क्योंकि उसका n+l क्या है? सबसे कम। तो अपन कह सकते हैं कि 3s की एनर्जी क्या है? सबसे कम।
अब 3s के बाद में मैं देख रहा हूं 3p, 3d एंड 4s। तो 3p और 4s में देखें तो n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। लेकिन हमारे पास जो 3p ऑर्बिटल है उसके लिए n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 3। जबकि 4s के लिए जो n प्लस एल की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 4। सो वी कैन से कि 3p की एनर्जी क्या है, कम है, और 4s की एनर्जी क्या है, ज्यादा। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है बेटा, 3d की। मतलब जो हमारा ऑर्डर आएगा वो आएगा 3s, 3p, 4s एंड 3d। अब चेक करते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा हमारे पास है। ऑप्शन है हमारे पास क्या बेटा, थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ नीट में, कि हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनके एटॉमिक नंबर 63, 64, 65, लेंथ एंड हाइट सीरीज है। अभी पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि गैडोलिनियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F7 और 5D1 के टर्म्स में आता है, बाकी सभी में 5D क्या आता है, जीरो। तो यहां पर अगर हम लोग फोर्थ ऑप्शन में जाएं तो फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन में क्या दिख रहा है बेटा, ज़ेनॉन 4F7 6S2, 5D जीरो है, ज़ेनॉन 4F7 5D1 गैडोलिनियम के लिए 64 के लिए, और ज़ेनॉन 4F9 6S2 दैट इज फॉर द Tb एटॉमिक नंबर 65। मींस हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है एलिमेंट है 114 हैविंग डिस्कवर्ड रिसेंटली, जिसको हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया, और उसके फैमिली ग्रुप के बारे में हमें बात करनी है। जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 114 है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन करूं, इस इलेक्ट्रॉनिक इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ जाएगा RN रेडॉन 5F14 6D10 7S2 और 7P2। मींस अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट देखें तो दे आर बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली एलिमेंट। ये क्या है भाई, कार्बन फैमिली एलिमेंट है, सेवेंथ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करेगा और 14th ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट। अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग हम लोगों को देखना है कि भाई किसमें इनकरेक्ट मैच है, इनकरेक्ट मैच के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें यू यू अन अन नियम, ठीक है, तो ये बेटा यूएन इसके लिए कितना आया, आईयूपीएसी नेमिंग के हिसाब से यूएन कितना आया, 1। यूएन अगेन आ गया, दैट इज ऑलरेडी 1, और उसके बाद यूएन अगेन आया, मतलब ऑलरेडी 1। तो ये इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 111 है, और 111 जो है वो डी ऑप्शन के साथ में, फोर्थ ऑप्शन के साथ में बिलोंग नहीं कर रहा है। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास द एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एलिमेंट हमें दिखाना है, तो फिर से वही है 119 है, तो फर्स्ट वन के लिए लिखा यूएन, सेकंड वन के लिए फिर से लिखा यूएन, और नाइन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नाइन के लिए लिखेंगे इनियम, ठीक है ना, इन, और उसके बाद हम लोग लगा देंगे क्या बेटा, आई UM, मतलब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में, जो कि इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। सेवेंथ के लिए चलते हैं, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस करेक्टली मैच्ड, कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है। हम सबको पता है कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट के एनायन के बारे में बात करें तो एनायन पर चार्ज ज्यादा होता है, निगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम। तो सबसे जो ज्यादा रेडियस होती है फॉर एलिमेंट, फॉर अ एलिमेंट हम लोग कहते हैं एनायन का साइज ज्यादा, उसके बाद एटम का साइज, और उसके बाद किसका बेटा, उससे बने हुए कटायन का साइज। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि H माइनस का साइज क्या है, ज्यादा, देन H का साइज है, और देन किसका है बेटा, H प्लस का साइज। मतलब हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा बेटा, फोर्थ, सॉरी फर्स्ट। फर्स्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। अब जरा सेकेंड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, क्या है भाई, Na पॉजिटिव F निगेटिव O माइनस 2। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। एफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। ओ माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। ये सब के सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम लोग बोलते हैं कि जो रेडियस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जेड। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका रेडियस क्या हुआ, कम। तो ये जो ऑर्डर लिखा है ये जस्ट इनवर्स बन जाएगा, सेम केस हम लोग अप्लाई करेंगे थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के साथ में। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द स्पीसीज आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, अगेन द सेम कंसेप्ट लाइक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हमसे बोल रहा है आर्गन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। उसके बाद हमारे पास कितना बोल रहा है, पोटेशियम प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18।
Ca प्लस टू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, मतलब ये सब का सब क्या है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, पोटेशियम का 19, आर्गन का 18, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ, सबसे बड़ा साइज किसका होगा भाई, आर्गन का। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बी प्लस टू इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सक्सेसिवली तीन क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक के दिखाई दे रहे हैं हमें, बी प्लस टू, इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है तो बी प्लस टू, बी प्लस टू में अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 4, ठीक, तो बी प्लस टू आएगा यहां पर, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जाए तो क्या है 1s2 2s2, मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बचा 1s2 2s क्या भाई 0, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2। अब देखते हैं H प्लस, बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस कर गया, क्या आ गया 1s0। Li प्लस टू, Li प्लस वन, Li प्लस वन Li से आया, Li का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो कितना बचा 1s2। सोडियम के बारे में बात करने से फायदा नहीं, मैग्नीशियम के बारे में बात करने से फायदा नहीं, और सीधा सीधा दिख रहा है इसके पास भी 1s2 है, दो इलेक्ट्रॉन है, और बी प्लस टू के पास में भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनिक मोबिलिटी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स इज लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दियर सॉल्ट आर पुट अंडर द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब भाई यहां पर आयनिक मोबिलिटी के बारे में बात आ रही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है आयनिक मोबिलिटी का। आयनिक मोबिलिटी है क्या, मैंने किसी भी मेटल सॉल्ट को पानी के अंदर डाला, ऑब्वियसली बात है अगर आयन का साइज छोटा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, मतलब कि चार्ज की डेंसिटी क्या है ज्यादा, अगर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी बेटा तो उसको ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे, और घेरने के बाद उसे घूमने नहीं देंगे भाई, ठीक है ना, और घूमने नहीं देंगे मतलब वो मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक, तो जो आयन पानी के बाहर छोटा है वो पानी के अंदर आने के बाद में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होने का मतलब पानी ने उसको जकड़ लिया, पानी ने उसको घेर लिया, मतलब उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी कम, मतलब द आयन हैविंग स्मॉलर साइड्स आउटसाइड द वाटर हैविंग लोवेस्ट आयनिक मोबिलिटी इनसाइड द वाटर। और अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमें साफ दिख रहा है कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है, लिथियम का साइज छोटा है, मतलब जब लिथियम के सॉल्ट को हम लोग पानी के अंदर डालेंगे तो Li प्लस जो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लिथियम का सॉल्ट बनेगा तो उसके पास क्या होगा Li प्लस होगा, वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होगा जिसकी वजह से उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी सबसे कम, और हमसे क्वेश्चन भी बोला है कि लोवेस्ट आयनिक मोबिलिटी बतानी है, मतलब हमारे पास आंसर कौन सा बन जाएगा बेटा थर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11th क्वेश्चन, बोला है कि फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक का अगेन कॉन्सेप्ट आ गया, देखो भाई 2021 में भी वही क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, किसके केस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक करेक्टर नहीं प्रेजेंट है, तो भाई Na प्लस और Mg प्लस, Na का एटॉमिक नंबर कितना था जेड, इसका था भाई 11, इसका क्या था भाई 12, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10, इसके पास भी कितने आ गए 10, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Mn प्लस टू और Fe प्लस थ्री, Mn का एटॉमिक नंबर था 25, इसका एटॉमिक नंबर था 26, इससे दो तीन इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके पास कितना बचा 23, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके पास भी कितना बचा 23, मतलब Mn प्लस टू पर भी 23 इलेक्ट्रॉन है, 23 इलेक्ट्रॉन है, और Fe प्लस थ्री पर भी 23 इलेक्ट्रॉन है, मींस सेकंड भी क्या है भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Fe प्लस टू कितना था भाई 26, मतलब 26, 26 से दो इलेक्ट्रॉन निकाले कितने बच गए 24, और इसके पास कितने हैं भाई 23, मतलब इट इज नॉट, दिस पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा बेटा थर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द रीजन ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहते हैं जैसे ही हम लोग फिफ्थ पीरियड से सिक्स पीरियड की तरफ मूव करेंगे तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन नाम की एक चीज आती है, हम लोग बोलते हैं कि जब एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एफ ऑर्बिटल इंटर कर जाता है, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है, तो एफ ऑर्बिटल
का साइज जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो न्यूक्लियस से काफी दूर होता है। दोनों ही फैक्टर की वजह से वो जो शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या हो जाता है भाई, बहुत कम पुअर शील्डिंग इफेक्ट, निग्लेजिबल शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज में एबनॉर्मल चेंज दिखाई देने लगता है। और उसी एबनॉर्मल चेंज को क्या बोल देते हैं भाई हम लोग, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से है, निग्लेजिबल एफ ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। मतलब आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगेन वही सेम केस। जर्कोनियम और हैफेनियम की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग कहते हैं एटॉमिक साइज सिमिलर होता है, उसका रीजन क्या है भाई, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का साइज लगभग सिमिलर हो जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। ठीक है भाई, पहला है हमारे पास Al plus 3 Mg plus 2 Na plus Fe minus, F minus, fluorine negative, isoelectronic, again atomic number के inversely proportional माल दिया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11, जो एफ फ्लोरीन है फ्लोरीन का 9। मतलब एटॉमिक नंबर कम और साइज ज्यादा, मतलब ये तो बिल्कुल प्रॉपर्टी सही है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें बोरॉन फैमिली, मतलब ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, यहां पर कॉन्फिगरेशन क्या आ जाता है भाई हमारे पास, आउटर मोस्ट 2p1 या p1 कह सकते हैं, यहां पर आ जाता है np2, यहां पर आ जाता है np3, यहां पर आ जाता है np4। ये क्या है भाई, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेकिन 15 और 16 में 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और 16 की आयनाइजेशन एनर्जी कम। क्यों? क्योंकि 15 में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मतलब जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, बोरॉन का कम, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा क्या भाई, नाइट्रोजन। यहां पर गड़बड़ कहां पर है, इस जगह पर, इस जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, गड़बड़ दिखाई दे रहा है। होना किसका चाहिए, ऑक्सीजन पीछे और नाइट्रोजन आगे, मतलब नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ये तो भैया गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर से वही डाउन टू ग्रुप हम लोग जब जाते हैं, हम लोग गए किसमें भाई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, डाउन टू ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है क्योंकि साइज बढ़ता है। ठीक, लेकिन जब फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, बहुत ही प्यारा एक्सेप्शन है, हर आदमी पढ़ता है, हर आदमी को याद होना चाहिए, फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से लाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन डालना क्या हो जाता है, मुश्किल। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम है और क्लोरीन की ज्यादा, इतनी ज्यादा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो क्या है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम किसका भाई, आयोडीन। तो ये जो ऑप्शन है वहां भी पंगा है, यहां पर है, होना क्या चाहिए, फ्लोरीन पीछे और क्लोरीन आगे, मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। तो यहां दो आंसर बनेंगे हमारे पास, इनकरेक्ट मैच, सेकंड एंड थर्ड। लास्ट भी बढ़ जाते हैं, इंटीरियर मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस में कोई पंगा नहीं है, डाउन टू ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, मेटेलिक रेडियस बढ़ जाएगा, मतलब 15 के दो आंसर बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास सेकंड और दूसरा बनेगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है मैच द कॉलम फर्स्ट विथ स्पिन मैंगुलर मोमेंटम। स्पिन मैंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, म्यू बराबर अंडर रूट ऑफ एन, एन प्लस टू इंटू क्या भाई, बीएम। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग कोबाल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कोबाल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ये बीएम आएगा वो कितना आएगा, 24। इसी तरह से अगर हम लोग इसके थ्रू सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है फिर से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अच्छा क्या है भाई, न्यूट्रल। बीएओ क्या है, बेसिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, Cl2O7 क्या है भाई, एसिडिक। तो ये क्या बन गया भाई, CaO क्या बना भाई, न्यूट्रल। बीएओ क्या बन गया भाई, बेसिक। बीएओ क्या बन गया भाई, बेसिक। Al2O3 क्या भाई, एम्फोटेरिक। और Cl2O7 क्या बन गया, एसिडिक। तो मैच देख लेते हैं किसका कहां से बन रहा है, कार्बन का बन रहा है, सेकंड, सेकंड का मतलब ये आ गया क्या भाई, फोर्थ। हालांकि यहां पर एक भी मैच कर लिया होगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, सबसे ज्यादा सबसे कम, HF, HCl, HBr, HI।
यहां पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो लगाते हैं कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी और साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा दो एटम्स के बीच में साइज वेरिएशन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड को तोड़ना उतना क्या हो जाएगा मुश्किल, और सॉरी जैसे जैसे साइज वेरिएशन ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा आसान, और बॉन्ड को तोड़ना आसान है मतलब एच पॉजिटिव को निकालना क्या है इजी, मतलब एसिडिक करेक्टर क्या होगा बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीजेस डाउन टू ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ एचएफ एससीएल एचबीआर एचआई डिक्रीजेस सो दैट द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। मींस फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट आ रहे हैं तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बनेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट। 19 क्वेश्चन हमारे पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। वही सेम बेटा अभी पीछे डिस्कस किया था, कार्बन 14 ग्रुप एलिमेंट है, नाइट्रोजन 15 है, ऑक्सीजन 16 है और फ्लोरीन क्या है 17 ग्रुप एलिमेंट। अक्रॉस द पीरियड जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा और ऑक्सीजन फैमिली की क्या है कम, मतलब जो ऑर्डर बनेगा वो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और क्या बेटा फ्लोरीन। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सेकंड। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एस ब्लॉक हाइड्रोजन। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन के लिए हम लोग देखते हैं लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनके क्या वेरिएशन हमारे सामने रहे हैं। ठीक है तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है द डिवाइस दैट इज कन्वर्ट द कंबस्टन फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मिथेन डायरेक्टली इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स ईंधन जिन्हें हम लोग बर्न करते हैं उनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है, जो उसकी एनर्जी निकलती है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें जब किसी भी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो डायरेक्टली वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं द मेथड इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वॉटर। कौन सा मेथड टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वॉटर को रिमूव करता है, सबको पता है भाई हमारे पास क्लार्क मेथड, जहां पर हम लोग वाटर को ट्रीट किया, वाटर के साथ में हम लोग स्लेग लाइम को ऐड कर देते हैं जिससे उसमें प्रेजेंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की जो इंप्यूरिटीज हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया CaHCO3 होल ट्वाइस स्लेग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 की इंप्यूरिटी में। इसी तरह से मैग्नीशियम SCO3 में हमने जब स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 प्रेसिपिटेट प्लस MgOH होल ट्वाइस के प्रेसिपिटेट में। ठीक है जिससे कि हमारी जो टेम्परेरी हार्डनेस होगी वो क्या हो जाएगी रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इमिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। रेडियोएक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन का जो है वो ट्राइट्रियम है जिसके लिए हम लोग लिख सकते हैं H13 और ये इमिट करता है किसे भाई बीटा पार्टिकल को। किसे बेटा बीटा पार्टिकल को इमिट करके अपनी रेडियो एक्टिविटी को रिप्रेजेंटेट करता है तो आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं अगला है द एलिमेंट विच यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ द मेटल एट हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल के लिए कौन सी वेल्डिंग में यूज किया जाता है और वो है हमारे पास क्या बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हम लोग एक फ्यूल एफिशियंट फ्लेम को जनरेट करते हैं जिससे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल को आसानी से क्या कर सकते हैं वेल्ड कर सकते हैं या उनको हम लोग क्रैक कर सकते हैं कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन इनकरेक्ट है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स विच आर ट्राइटेनियम इज मोस्ट एबंडेंट, जो कि ट्राइटेनियम जो है वो क्या है मोस्ट एबंडेंट है, जिसकी सबसे ज्यादा आसानी जो कॉमन है वो क्या है ट्राइटियम है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा H11 प्रोटीनियम जिसे बोल देते हैं इसका हमारे पास होता है 98.6 के आसपास। उसके बाद जो हमारे पास H12 होता है जिसे बोल देते हैं ड्यूटीरियम वो हमारे पास 0.15 के समथिंग आसपास आता है और लास्ट जो ट्राइटियम होता है वो हमारे पास इसकी एबंडेंस होती है 10^-15। ये मतलब बहुत ही कम होता है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है करेक्ट इनकरेक्ट। द हाइड्रोजन इज कौन सा इनकरेक्ट, हाँ ये तो हमारे पास क्या हो गया इनकरेक्ट। द हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज अ कटायन इन आयनिक
सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट में कभी कटायन की तरह एक्ट नहीं करता, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम लोग आयनिक सॉल्ट NaH टाइप ले लें तो ये टूटेगा किसमें भाई, Na प्लस और H माइनस में, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अनदर मेटल कटायन से क्या होता है ज्यादा, तो वह हर समय एनायन की तरह एक्ट करता है। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट सही है, हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव एग्जिस्ट इन ए सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन H3O पॉजिटिव क्या हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइहाइड्रोजन नेवर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल गलत, आपने पढ़ा था हाइबर प्रोसेस क्या था, N2 प्लस H2 प्लस N2 गिव्स क्या भाई NH3। यहां पर अगर बात करें तो नाइट्रोजन जीरो था और यहां पर नाइट्रोजन क्या हो गया -3, मतलब नाइट्रोजन का क्या हो गया रिडक्शन, और वो किसने किया भैया हाइड्रोजन ने, तो क्योंकि उसने अपने आप को जीरो से कहां ले गया है -1 पर। मतलब हाइड्रोजन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मींस इसके भी दो आंसर बनेंगे, कौन कौन से भाई, पहला गलत है, फर्स्ट गलत है, और कौन सा गलत है भाई, फोर्थ गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एल्कली मेटल की तरफ चलते हैं। लास्ट हमारे पास जो 5 क्वेश्चन थे वो 10 साल के अंदर हाइड्रोजन से हमारे पास आए हुए हैं। अगला हमारा टॉपिक है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये बड़ा ट्रेंड चल चुका है आजकल, पूरे चैप्टर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उठाकर एक क्वेश्चन बना देता है भैया इनकरेक्ट बता दो, तो पूरा का पूरा हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को लेकर के। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज इन द फॉलोइंग, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बोला लिथियम फॉर्म लिथियम नाइट्रेट विथ नाइट्रोजन इन अल्कली मेटल, ओनली द लिथियम कैन बी रिएक्ट डायरेक्टली विद नाइट्रोजन। मतलब पूरे के पूरे अल्कली मेटल में केवल और केवल लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता नहीं है, और लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट करके बनाता है लिथियम नाइट्राइड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमें सर्च क्या करना है, इनकरेक्ट, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। LiCl कैन बी यूज द कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, LiCl को हम लोग ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। LiCl आसानी से वाटर के साथ में हाइड्रेट हो जाता है, रीजन उसका लिथियम का साइज क्या है छोटा, लिथियम के साइज छोटा होने की वजह से वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच सकता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि लिथियम क्लोराइड ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर्स को या वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा सकता है। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फ्यूज्ड LiCl इज यूज्ड टू प्रिपेयर लिथियम मेटल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्रिपेयर LiCl, LiCl के थ्रू हम लोग उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके लिथियम को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। द आयनिक मोबिलिटी ऑफ Li+ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Na+ इन एक्वस सॉल्यूशन, अगेन आयनिक मोबिलिटी का जो पीरियोडिक टेबल में भी कनेक्टिविटी क्वेश्चन आया था, LiCl पानी के बाहर छोटा तो पानी के अंदर उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे, मतलब उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी कम, मतलब कह रहा है भैया ग्रेटर आयनिक मोबिलिटी नहीं, क्या है लोअर आयनिक मोबिलिटी, तो आंसर फोर्थ क्या है भाई इनकरेक्ट, चौथा आंसर क्या है भाई इनकरेक्ट, तो 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई फोर्थ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, HCl was passes through the solution of the CaCl to MgCl to NaCl, which of the following compound can crystallize? जब हम लोग HCl गैस को पास करेंगे, क्योंकि सभी के सभी क्या है बेटा क्लोराइड है, ठीक है ना, तो होगा क्या, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाती है तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऐसा सॉल्ट जिसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम है उसको आसानी से क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू किसकी कम होगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक। तो अगर हम लोग बात कहें तो NaCl MgCl2 और CaCl2 में NaCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सबसे कम है, तो जब HCl गैस को तुम पास आउट कराओगे तो सॉल्यूशन के अंदर Cl आयन का क्या होगा, कंसंट्रेशन राइज कर जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन के राइज करने की वजह से NaCl सॉल्यूशन का आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम है, तो सबसे पहले उसका क्या हो जाएगा भाई प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तो ओनली द NaCl कैन बी प्रेसिपिटेट आउट ऑन पासिंग HCl गैस फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, बिकॉज इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी इज लेस इन वॉटर एज कंपेयर टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लियर। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल आसान सा, अब यहां पर भाई हम लोगों को दिख रहा है KO2, KO2 सभी लोग जानते हैं, इसे बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड,
पोटेशियम सुपरऑक्साइड टूटता है, क्या बनाता है, के पॉजिटिव प्लस ओ टू माइनस वन, दैट इज द सुपरऑक्साइड आयन, जहां पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस वन। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, इनकरेक्ट है और हमें यही सर्च करना था। आगे भी देख लेते हैं। सेकंड है द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाई मेटल डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, ठीक है, अल्कली मेटल्स की आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज बढ़ता है। थर्ड है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स, लिथियम का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग नेचर होता है अल्कली मेटल्स में, रीजन होता है उसका सबसे लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एसआरपी, जिसकी वजह से उसका जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म दियर हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, बिल्कुल सही है। तो थर्ड हमारे पास, एट्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, इनकरेक्ट। अगला हमारे पास नाइन्थ, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है लिस्ट फर्स्ट में लिथियम सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम, ठीक है। तो भाई देखो, सीजियम के बारे में सभी लोग जानते हैं, सीजियम को हम लोग यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, ठीक है, सीजियम को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यूज करते हैं, तो डी का हमारे पास करेक्ट मैच आ जाएगा फोर्थ। अब हमारे पास है लिथियम, मैं एक तरफ से स्टार्ट करूं ज्यादा बेहतर रहेगा। लिथियम, लिथियम जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बहुत ही आसानी से यूज किया सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के प्रिपरेशन में, बिकॉज लिथियम का एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोड पर ज्यादा होता है स्मॉल साइज होने की वजह से, तो हमारे पास लिथियम का क्या आ जाएगा सेकेंड। सोडियम कूलेंट की तरह यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इट इज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सोडियम। पोटेशियम हाईली बेसिक होता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और सीजियम का ये, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा लिस्ट वन में लिथियम है जिसका आंसर क्या है सेकेंड, बी हमारे पास जो उसका आंसर है थर्ड, पोटेशियम का आंसर है फर्स्ट और डी का आंसर है फोर्थ, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा भाई करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द फंक्शन ऑफ द सोडियम पंप एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आयन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द पंप्स। हमारे पास साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन सबसे ज्यादा होता है और उसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये रीएएपीएमटी 2015 में आया था और बायो वाले बच्चों के लिए बड़ा ही आसान है क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप बहुत ज्यादा पड़ते हैं न्यूरो सिस्टम में एक्टिविटी कई चीजों के लिए। अगला जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल सल्फेज हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन द लेटेस्ट एनर्जी, किसके जो सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेटेस्ट एनर्जी, तो बी प्लस टू का साइज क्या है सबसे छोटा, और बी प्लस टू का साइज छोटा होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी लेटेस्ट एनर्जी से क्या होती है ज्यादा, जिसकी वजह से ही इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है ज्यादा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सेकेंड ग्रुप सल्फेट में डाउन टू ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या करती है डिक्रीज, तो बी प्लस टू की सॉल्युबिलिटी बी SO4 की सॉल्युबिलिटी क्या है ज्यादा है, क्यों ज्यादा है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लेटेस्ट एनर्जी पर क्या आधारित होती है डोमिनेट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मैग्नीशियम आयन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद एटीपी, मैग्नीशियम आयन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद एटीपी, उसके बाद है कैल्शियम आयन द ब्लड क्लॉटिंग, सी ए प्लस टू आयन आर नॉट द इंपॉर्टेंट मीनिंग द रेगुलर द ब्रीथिंग इन द हार्ट, सबसे गलत। कैल्शियम आयन का कॉन्ट्रेक्शन मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा योगदान होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो यहां पर दिखा है इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट, मसल कॉन्ट्रेक्शन और स्ट्रक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम आयन होता है, मतलब थर्ड ऑप्शन में इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से थर्ड ऑप्शन क्या है गलत है, कैल्शियम का इंपॉर्टेंस है, कैल्शियम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक, कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक है, सेकेंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में सब में डाउन टू ग्रुप जाते हैं तो ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, मतलब जो ऊपर वाला है वो क्या है एसिडिक है और नीचे वाला क्या है मोस्ट बेसिक है, ऊपर वाला लीस्ट बेसिक मोस्ट एसिडिक, तो कौन सा हो गया भाई बीओ। आगे बढ़ते हैं, द एंजाइम यूटिलाइज एटीपी इन द फॉस्फेट ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड द अल्कली मेटल्स इन द एज अ को फैक्टर, कौन सा को फैक्टर के फॉर्म में इंपॉर्टेंस रोल पे करता है, और वो है हमारे पास क्या भाई मैग्नीशियम प्लस टू आयन, इट इज एक्ट एज अ को फैक्टर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, कौन सा हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, डाउन टू ग्रुप हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, सेकेंड ग्रुप में एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बीओएच होल्ड ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन
एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स प्रेसिपिटेशन ऑक्सीडेशन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी विद सोडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व सिग्नल दैट इज पोटेशियम सोडियम पोटेशियम साइकिल नर्व सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 द स्ट्रक्चर ऑफ द बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड द वेपर स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग पढ़ते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें चेन पॉलीमरिक सिस्टम होता है और जो हमारी वेपर स्टेट होती है वो उसमें किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डाइमर. सॉलिड स्टेट में किसकी तरह BCl2 होल एन क्या भाई चेन पॉलीमर. और जब हम लोग बात करते हैं वेपर फेज में तो ये एग्जिस्ट करता है BCl2 होल ट्वाइस एंड दैट इज अ डाइमर. अगला among the following alkali metals halide which of the following is covalent and soluble in organic solvent. again ऊपर से नीचे जाएंगे covalent character कम होगा ionic character बढ़ेगा. तो सिंपल सी बात है beryllium chloride का covalent character क्या है सबसे ज्यादा और जो ज्यादा covalent है वो organic solvent में क्या है more soluble. तो answer कौन सा आ गया third. अगला CaCl2 and CaOCl2 whole twice हाइपोक्लोराइट है भाई हाइपोक्लोराइट है और ये कैल्शियम क्लोराइड है दोनों को मिक्स कर दो ब्लीचिंग पाउडर बन गया. इसी का तो कॉमन फॉर्मूला आ जाता है CaOCl ये क्या है भाई ब्लीचिंग पाउडर जो किससे बना है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से ठीक है. तो आंसर कौन सा आ गया बेटा फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर. अगला हमारे पास द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स एंड वाई पहली आयनेशन एनर्जी दे रखी है मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं एक्स के लिए इवन है दैट इज दे रखी है 419 और ई टू सेकेंड आयनेशन एनर्जी दे रखी है 3069. वाई के लिए हमारे पास इवन की वैल्यूएशन दे रखी है 590 और सेकेंड आयनेशन 1145. अब बोल रहा है एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहा है यार देखना जरा एक्स एलिमेंट के लिए क्या दिख रहा है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी 419 है 419 है सेकेंड आयनेशन एनर्जी एकदम से 3000 हो गई. और सिंपल सी बात हम लोग पढ़ते हैं कि लगातार अगर लॉन्ग जंप आ जाए आयनेशन एनर्जी में मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालना सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो गया मुश्किल. तो केवल क्या निकाल सकते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल केवल किससे सकते हैं आसानी से फर्स्ट ग्रुप. तो एक्स तो भैया पक्का किससे हो गया अल्कली मेटल क्या हो गया अल्कली मेटल हो गया. सेकेंड में पहले में 590 दिया दूसरे में 1145 बढ़ी है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ गया अबाउट टू डबल बढ़ गया है. तो इसका मतलब लोग क्या ये किसके लिए अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो एक्स क्या हो जाएगा अल्कली मेटल और वाई क्या हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो ऑप्शन क्या बन जाएगा थर्ड. तो ये लास्ट हम लोगों के पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन और एस ब्लॉक के 2013 से 2022 के बीच में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो हमारे नीट प्रिपरेशन में थे वो आए हुए थे. आई होप बाय द डिस्कशन ऑफ दिस दीज क्वेश्चंस हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी नीट की प्रिपरेशन के लिए. थैंक यू.